दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेफ्स ऑफ इंडिया में, और मैं हूं प्रखर कुश्रेष्ठ। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के, और आज इस वीडियो में हम आपसे बातें करेंगे कि हमें सेफ्स ऑफ बिजनेस क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी किसी प्रोस्पेक्ट के पास में जाएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको सेफ्स ऑफ बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों वही सारी बातें आज हम इस वीडियो में बताएंगे, ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए। लेकिन ये सब बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं और लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बराबर में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें तुरंत सबसे पहले। तो आइए चलते हैं आप अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप बताएंगे तो क्यों करना चाहिए बिजनेस, उसके मन में ये जिज्ञासा होगी कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। तो दोस्तों आपको उसमें क्या बताना होगा, उसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताने होंगे जो हम आपको बता रहे हैं, और जब ये पॉइंट्स आप उन सबको बताएंगे प्रोस्पेक्ट्स को, तो वो खुद ही इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे मानने के लिए कि हाँ वास्तव में ये बिजनेस हमें करना चाहिए और ये बिजनेस हमारे लायक है, हम कर सकते हैं। तो दोस्तों वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि वर्क अकॉर्डिंग टाइम, जितना आप टाइम लगाएंगे उतना आप पैसा कमाएंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इतने घंटे काम करना ही करना है, जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा तो थोड़ा पैसा मिलेगा, जितना काम उतना पैसा, ज्यादा काम ज्यादा पैसा, कम काम कम पैसा। सबसे पहला तो ये होगा, जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि जो आप पैसा देते हैं उसका आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं फिर तो। और लेकिन जब टीम बनती है तो इसका बेनिफिट कितना बड़ा होता है, इसका बेनिफिट बहुत बड़ा होता है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम किया आपने और इसका जो बेनिफिट है वो कई गुना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 3 पीढ़ियों तक तो चलता ही है। तो इतना बड़ा यहाँ से बेनिफिट है इस बिजनेस को करने का। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है टाइम फ्रीडम, आपके पास टाइम बाउंडेशन नहीं होता। अगर आप किसी जॉब को करते हैं तो वहां पर आपको 9 से शाम को 5 बजे तक या 10 बजे से रात को 6 बजे तक शाम को ये आपको जॉब करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप जब चाहे काम कर सकते हैं, जब चाहे ना करें, सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें, रात में करें, कभी भी करें, जब आपको मन करे तब इसमें काम करें आप, आपके पास पूरा टाइम फ्रीडम होता है। तो दोस्तों इससे और बढ़िया क्या बात होगी। अरे जब कोई बिजनेस मिल रहा है जिसको हम कभी भी कर सकें तो हर कोई करना चाहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब आता है चौथा पॉइंट, इसमें जमीनी सीमाओं से आजादी है। आप जॉब में क्या होता है कि आप घर से ही जाएंगे अपने ऑफिस, बस वहीं जा सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं। लेकिन ये हमारा बिजनेस ऐसा है कि आप इस बिजनेस की बदौलत आप पूरे इंडिया में घूम लेंगे। अब दोस्तों इसमें पांचवा पॉइंट आता है, एम्परर की तरह एकदम रेस्पेक्ट होता है, रेस्पेक्ट जस्ट लाइक एम्परर्स, जैसे राजा महाराजाओं का सम्मान होता है ना, वो सम्मान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने डायमंड रिकॉग्निशन देखी हो तो आप वो अपने प्रोस्पेक्ट को दिखा दीजिए और वो खुश हो जाएगा देख करके, सम्मान तो बहुत तगड़ा मिलता है यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस ही ऐसा है हमारा, हम कारवां इतना बड़ा खड़ा करके दिखा देते हैं जो कोई कर नहीं पाता है, इतना बड़ा काम कर देते हैं कि जो जीवन भर लग जाए अगर आदमी को तब भी नहीं कर पाता अपनी जॉब से। लेकिन हमारा बिजनेस इतना दमदार है कि ये एम्परर की तरह एकदम, राजा महाराज की तरह हमें अपना जीवन जीने में एकदम सफलता दिलाता है। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 6 आता है इसमें, सेल्फ बिजनेसमैन, आप खुद एक बिजनेसमैन होते हैं, एकदम रेड हॉट आईबीओ होते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं आप किसी और के दाम में यहाँ पर काम नहीं करते, आपका अपना खुद का बिजनेस होता है, आपकी खुद की यहाँ पर टीम होती है, तो आप एक यहाँ पर अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं यहाँ पर। अब आता है पॉइंट नंबर 6, कॉन्टैक्ट्स की माइन बन जाते हैं आप, कॉन्टैक्ट्स माइन, यानी आप एक ऐसी खान बन जाते हैं जिसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, बहुत सारे जिसके आप रिलेशंस बना सकते हैं आप, तो आपकी जो प्रोस्पेक्ट्स होंगे उनकी वजह से आपके रिलेशंस बन जाते हैं। वैसे आम जन आम दुनिया में क्या होता है, एक आदमी कितने लोगों को जानता है, 10, 20, 50, 100 लोगों को जानता होगा, 1000 को जानता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आ जाते हैं तो कम से कम 10,000 को तो आप जानते हैं जो आपको डायमंड बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या ये टीम रुक जाती है, ये टीम बढ़ती रहती है। तो ये समझिए कि एक कॉन्टैक्ट्स की खान है आपके लिए ये बिजनेस जो है, और जितने ज़्यादा हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं उतना ही हमारे काम आसान हो जाते हैं इस दुनिया में दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी काम की आपको जरूरत पड़ेगी तुरंत आप एक कॉल करेंगे, क्योंकि सारे फील्ड के इसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, तो किसी को भी आप कॉल करेंगे तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसमें बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे जीवन में बहुत काम आती है। अब आता है पॉइंट नंबर 8, आप अगर इसमें काम करें चाहे ना करें लेकिन पैसा आपको फिर भी आता रहता है।
सिर्फ एक बार आप डायमंड बन के दिखा दीजिए, फिर आप चाहे काम करें या ना करें, पैसा आपको लगातार आता रहेगा, सम्मान आपको लगातार मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों ये भी इसमें बहुत ही बेहतरीन बात है। अब अगले पॉइंट नंबर 9 आता है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको ना ही कोई डिग्री चाहिए, ना ही कोई डिप्लोमा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। जैसे आप हैं वैसे ही होने चाहिए बस। सिर्फ इसमें आपको चाहिए कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है इसमें, कि आपके पास 10th होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, और बाकी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी सिखाई जाती हैं सिस्टम में, जो आप सीख करके इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों आता पॉइंट नंबर 10, इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 65 साल के हो गए तो अब आप रिटायर हो चुके, अब इस काम को नहीं कर सकते आप। ये तो बिजनेस दोस्तों, अगर कोई 18 साल का है तो वो भी कर सकता है, अगर कोई 80 साल का है तो भी इस बिजनेस को कर सकता है। यानी इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। लेकिन जॉब में क्या होता है कि आपकी उम्र अभी 25 साल है, आप इस काम के काबिल नहीं है, या आपकी उम्र 65 से ज़्यादा हो गई, आप इस काम के काबिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो सब काबिल है, कोई ना काबिल नहीं है, सब यहाँ पर काबिल है, जो भी चाहे वो इस बिजनेस को कर सकता है। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 11 आता है कि यहाँ पर कोई आरक्षण नहीं है, नो आरक्षण, ना ही कोई जाति का आरक्षण है, ना ही कोई धर्म का आरक्षण है, ना ही किसी भी बात का आरक्षण है, कि आप छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप यहाँ पर काम कीजिए और आपका यहाँ पर वेलकम है। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 12 आता है कि यहाँ पर जो कुंडली होती है वो नेटवर्क की कभी बेकार नहीं होती। लोग कहते हैं अरे मेरी तो कुंडली बेकार है। अरे कुंडली बेकार सिर्फ अकेले व्यक्ति की तो हो सकती है, पूरी नेटवर्क की तो नहीं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, तो पूरी टीम की कभी भी कुंडली खराब नहीं हो सकती है, होगी तो सिर्फ एक ही व्यक्ति की हो सकती है। लेकिन इसमें होगा क्या, अगर आप टीम बना लेते हैं तो जो आपकी बिगड़ी हुई है कुंडली वो सुधर और जाती है। तो ये तो एक और इसका बेनिफिट हो गया कि आप नेटवर्क बनाएं, टीम बनाएं और अच्छा काम करें। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 13 आता है कि यहाँ पर सेम अपॉर्चुनिटी है, यानी सबको बराबर मौका मिलता है अमीर बनने का, आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ कर दिखाने का, अपना नाम रचने का, खानदान का इतिहास बनाने का, सबके पास बराबर मौका है। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी कंपनी में होता है एक मैनेजर होगा, फिर वर्कर होगा, फिर उससे भी छोटा वाला वर्कर होगा, पियोन होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सबका लेवल एक होता है, सबको एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबका एक ही लेवल रहेगा, सब डायमंड बनेंगे, सब डायमंड बन के रहेंगे। तो यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है कि किसी का कोई पद बड़ा है, किसी का पद छोटा है, ऐसा कुछ नहीं, सब यहाँ पर बराबर होते हैं, सबके लिए समान मौका है यहाँ पर। अब दोस्तों आता है पॉइंट नंबर 14, यहाँ पर दोस्तों आपको मिलती है सपने देखने की आज़ादी। जितना बड़ा आप सपना देखना चाहें उतना बड़ा आप सपना देख सकते हैं, लेकिन साथ साथ खासियत यह है कि आप जो सपना देखते हैं वो पूरा भी होता है इसी बिजनेस से दोस्तों। तो अगर आपने सपना देखा है कुछ करने का, जीवन में कुछ बनने का, तो ये बिजनेस आपके लिए है, ज़रूर यह बिजनेस आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सपने देखने की पूरी आज़ादी है। वैसे घर पे क्या होता है या रिश्तेदारों में क्या होता है, अरे ज़्यादा हवा में मत उड़, ज़्यादा तू बन गया IAS, वो कहेंगे अरे नहीं तू बन गया करोड़पति, नहीं होगा तुझसे। लेकिन यहाँ पर आपको दोस्तों पूरी आज़ादी मिलती है, ये हमारा बिजनेस ही ऐसा है, हमारा जो बिजनेस है सपनों पर आधारित है। अगर आपके सपने हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है, अगर जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। अब दोस्तों आता है पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 15 है कि दूसरों की मदद करने का मौका। बाहरी दुनिया में तो शायद ही बहुत कम लोग मदद करते हो एक दूसरे की, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पर दूसरों की मदद करने का आपको भरपूर मौका मिलता है। आप जितनी मदद करना चाहें उतनी मदद कर सकते हैं, और बदले में आपको मिलता क्या है जानते हैं क्या मिलता है, अरे आप लाभ लाभ करते जाइए, आपको भला भला मिलता जाएगा, भला भला करते जाइए, लाभ लाभ लेते जाइए, भला करते जाइए, लाभ लेते जाइए, जितना आप भला करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे बिजनेस को कौन ज्वाइन नहीं करना चाहेगा दोस्तों, जहाँ पर भला करने पर हमें लाभ मिले तो हर कोई भला करना चाहेगा, और इंसानियत भी आप कर रहे हैं क्योंकि उसका भला कर रहे हैं आप। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 16 आता है कि यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी को बनाने का भी मौका मिलता है। यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जो 4 दिन की दिशा वर्कशॉप होती है, हाँ दोस्तों अब आप सही पहचान रहे होंगे, ये जो टी शर्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल कॉर्बेट पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दोस्तों वहीं से है, दिशा ट्रेनिंग अटेंड की थी हमने भी, वहीं से ये टी शर्ट मिली है, और आप इसको भली भांति पहचान रहे होंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क की है ये। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी बनाने का भी मौका मिलता है, जो आप अपने आप को निखार सकते हैं, अपनी खूबियों को निखार सकते हैं, वो मौका भी आपको यहाँ पर मिलता है दिशा ट्रेनिंग अटेंड करके। तो दोस्तों ये हैं इतनी सारी खूबियाँ इस बिज़नेस को करने की, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हैं। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को बताते हैं अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन, ये इतनी सारे जो हमने अभी पॉइंट्स बताए हैं ये मैं समझता हूँ कम नहीं है आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे टीम मेंबर्स में, और कुछ अगर आपको कहना हो तो आप कमेंट में भी नीचे लिख सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।